ऑल राइट गाइस, तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग होने वाला है संडे व्लॉग, ओके। ये कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं होगा, संडे व्लॉग होगा, सिंपल सा व्लॉग, ओके। सिंपल सा, इतना सिंपल भी नहीं होगा, इसमें थोड़ा मस्ती मजाक तो होगा ही, ओके। तो आज के व्लॉग में हम कोई दूर भी नहीं जाएंगे, आज के व्लॉग में हम छोटा सा ट्रिप क्या बोल रहा हूँ मैं, तो आज के व्लॉग में हम दो चीज़ें, कुछ चीज़ें, ओके, दो चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें डिसाइड किए हैं जो हम करने वाले हैं, ओके। पहली चीज़ ये कि हम आज जाने वाले हैं एक क्या हो रहा है मेरे को आज, तो आज हम जाने वाले हैं एक जगह पे जिसे हमने गूगल पर सर्च किया है, वहाँ पर लोकेशन थोड़ा सा ओपी है, तो हम वहाँ पर शूट करने जाएंगे। बस एक दो मिनट का शूट होगा वहाँ पर, आप बोर मत हो जाएंगे, बोर नहीं होंगे, टेंशन मत लो, ओके। तो उसके बाद हम घर आएंगे, उसके बाद एक और जगह पे जाना है जो हम घर आके ही बताएंगे, ओके। तो फिलहाल सुबह 7:30 बजे हैं, तो जल्दी से हम चलते हैं। वैसे सनराइज़ वाला तो कुछ सीन है नहीं, हो चुका है सनराइज़, तो वहीं जाके दिखाते हैं कि क्या सीन है। बाय बाय। तो फाइनली गाइस, हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं पीछे, ओके। ये भोलेनाथ का मंदिर है, पर इतना ही नहीं है गाइस, इसके सामने जो सीन है वो कुछ ज़्यादा ही ओपी है। ओपी मतलब एकदम दिल को छू जाने वाला सीन, ओके, सीन छीन नहीं, सीन, ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ सिनेमैटिक वे में, ओके। ऐसे ही देखोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, वैसे दिखा भी सकता हूँ ऐसे भी, पर पहले हम मंदिर में पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि सीन क्या है, ओके। आगे जाके भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल तीन मंदिर है, और सब जगह पे सेम टू सेम सीन, एक जगह पे थोड़ा कम है पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। गूगल पर मैंने सर्च किया था और इस जगह को गूगल पर ही ढूँढा है, वैसे मैंने ये जगह पर पहली बार आया हूँ, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। गूगल पर मैं आपको दिखा दूँगा, लोकेशन दे दूँगा कि कहाँ पर है, ओके। आप सीन देख लो, पहले हम मंदिर में जाएंगे, पूजा कर लेंगे, उसके बाद सीन देखना, ओके, बाय बाय। तो गाइस, पूंजा हमने कर ली है, टाइम आ चुका है आपको सीन दिखाने का, ओके। तो एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक सीन। तो गाइस, यही सीन है, थोड़ा सा कम है, इसीलिए हमने स्पेशल ट्रैवल ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा देखने का नहीं है, पर जितना है उतना बहुत ही बढ़िया है, ओके। आप आ सकते हो यहाँ पर, अगर आपका घर यहाँ से थोड़ी बहुत करीब है, ओके, 10-20-30-50 किलोमीटर से नहीं है ना, पर अंडर 40 किलोमीटर होगा तो आप आ सकते हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर तीन मंदिर है, तीनों जगह पर आप दर्शन भी कर सकते हो, एक हनुमान जी का है, एक माता जी का है और एक भोलेनाथ का है, ओके। तो अब यहाँ से हम जाएंगे, वैसे पहले वाले मंदिर से हम दूसरे वाले मंदिर तक आ चुके हैं, और यहाँ पर पूजा कर लेंगे, अभी तक की नहीं है। उसके बाद वहाँ पर जो एक मंदिर दिख रहा है कि आपको, ओके, तो वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर भी पूजा कर लेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे मामा जी के घर,
क्योंकि मामा जी के घर हमें जाने वाला है, रिकॉर्ड चल रहा है ना। एक बार हमने ऐसे ही बोल चुके हैं और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ओके, देखो आपको पता ही होगा, आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा, तो हमें ओके ओके बोलने की आदत है, तो आपको आदत तो डालनी पड़ेगी। ओके, देखो फिर से आ गया तो मिलते हैं बाद में। तो फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं गाइस। हम लोग ने शिप में, वैसे अभी मेरे साथ ही चल रहे होंगे, तो हम घर क्यों आने वाले थे खाने के लिए, पर अभी तक कुछ घर पे मरा ही नहीं है, तो हम अभी के अभी हम मामा के घर चले जाते हैं। वैसे हम वहाँ पर नहीं खाएंगे, रास्ते में कुछ खा लेंगे, क्योंकि हमें चटपटा कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ओके, तो मिलते हैं किसी होटल में या फिर Later. तो फाइनली गाइस हम लोग सबसे बड़े वाले मामा के घर पहुंच चुके हैं। ये रहा उनका इकलौता बेटा है, सबको हाय बोल दो। हाय। तो गाइस अब फिलहाल हम उनके खेत की तरफ आए हैं। यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं, सब जगह पे खेत ही हैं। यहाँ पर छोटे वाले, यहाँ पर बड़े वाले। ओके, इसमें क्या बोलते हैं इसको, दूधी, हमारे यहाँ दूधी बोलती है, आप क्या बोलते हैं, शायद लौकी बोलते होंगे। ओके, और यहाँ पर गलगोटा, गलगोटे को क्या बोलते हैं वो भी पता नहीं मेरे को हिंदी में। ओके, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि गलगोटा ने सूखे भाई छे। ओके, तो बाद में मिलते हैं, दूसरे मामा के घर भी जाना है, तो वहाँ जाके भी आपको दिखाते हैं, पर यहाँ पर हम जो जो भी करेंगे ना वो आपको दिखाएंगे। ओके, उसके बाद दूसरे मामा के घर, उसके बाद तीसरे मामा के घर। ओके, तो मिलते हैं बाद में। ऑलराइट गाइस, तो हम अब पहुंच चुके हैं सबसे आखिर वे, यानी सबसे छोटे मामा जी के घर। वैसे वो सबसे छोटे हैं पर उनकी बेटियां ज़्यादा है। ओके, उनकी टोटल 5 बेटियां हैं, उसमें से एक शर्मा रही है, वो वीडियो में नहीं आना चाहती, तो फिर हम ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, तो आपको मिलाते हैं हम उनसे। ये देखो, ये है 4 बेटियां और एक जो है वो सबसे ज़्यादा बड़बड़ करती है, पर वो आज वीडियो में नहीं आना चाहती, पता नहीं क्यों शर्मा रही है शायद। सबको हाय बोल दो एक बार गाइस। हाय। हाय। तुम भी बोलो। ओके, तो लाइक कर देना, इनके लिए लाइक कर देना गाइस, मेरे लिए नहीं पर इनके लिए तो कर देना। ओके, दूसरी वाली को हम दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर छुप गई होगी तो फ्लैश लाइट कर चालू करके भी हम दिखाएंगे आपको। ओके, तो मिलते हैं बाद में। ये है वो लड़की गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों ये, इसको तो हमने दिखा दिया, इसका नाम यश है और ये इसकी बड़ी बहन है। ओके, इसका नाम निराली है। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 6। तुम? ये खुद भूल गई है कौन सी कक्षा में पढ़ती है। मैं चल 8 ने। ओके, ये 8 में पढ़ती है। ओके,
और एक छोटी बहन है, इसकी छोटी बहन है, ये दोनों की छोटी बहन है, पर वो शर्मा रही है, वो पता नहीं, एक ना एक तो होती है, उधर भी एक थी जो शर्मा रही थी, पर उसको हमने दिखा दिया है, ओके, पर इसको भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कहाँ पर छुपी होगी, यहाँ से नीचे से शायद देख भी रही होगी, ओके, तो हम दिखाते हैं उसको, ये है A few inches later. So guys, हम तीसरे मामा के घर पर भी गए, पर उनके घर पर कोई बच्चा नहीं था, उनके जो जो बेटे हैं उनमें से एक था, पर वो बिजी था, वो वीडियो में नहीं आना चाहता था, एक ना एक घर पर तो होता ही है ऐसा, और दूसरा जो था वो इंटरेस्टेड था, पर वो है वलसाड़ में अभी, और वलसाड़ हम जा नहीं सकते, ओके, वो उसकी स्कूल चालू है, वो 10th में पढ़ता है, इसलिए वो बहुत बिजी है गाइस, तो चलते हैं घर, फिर वहाँ जाके मिलते हैं, ओके, बाय बाय. तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब किया होगा तो बाजू वाले घंटे को भी दबा देना, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में.